पुत्र निकल आए हो भुवनेश्वर से, अभी बालर से ले जा रहा हूँ जो गाड़ी देख जो काम के लिए। बालेश्वर वाला रोड में ही हूँ, भुवनेश्वर से बालेश्वर जा रहा हूँ। बड़ी मस्त गाड़ी चलती है भुवनेश्वर से बालेश्वर, भारी बदल और थकान भी नहीं लगता है। ड्राइवर साहब भी अपना मस्त है, गाड़ी चला बालेश्वर बाईपास। कटक पहुंचने वाला हूँ अंदर, और कटक से बालेश्वर लगभग 3 घंटे टाइम लगता है। देखा जाए आज कितना टाइम लग रहा है, बट बस का टेंशन है, सुपर हैवी स्पीड है, मस्त चला रहा है यार। अभी कटक बादामबाड़ी तरफ घुस रहे हैं। एक्चुअली ये लिंक रोड है कटक का, एंट्रिंग कटक और कटक बादामबाड़ी का जो बस स्टैंड है उसमें नहीं घुसेगा क्योंकि टाइम नहीं है। बादामबाड़ी बस स्टैंड है ये, और काफी भीड़ रहता है क्योंकि चारों तरफ बस मिलती है यहाँ पे। आदमबाड़ी बस स्टैंड है ये, और काफी भीड़ भड़ाका रहता है क्योंकि ओडिशा का हर कोना का बस यहाँ पे मिलेगा आप लोग को। मैं जो गाड़ी में हूँ ये अजय, जो कि भुवनेश्वर से बारीपदा चलती है। काकटपुर नियाली ओडोसपुर भरा हुआ है, और ये है नजारा बस का। तो अभी कटक से निकलते हुए टुवर्ड्स बालेश्वर 2:40 में पहुंचेगी गाड़ी बालेश्वर में। काफ़ी कम जाता हूँ मैं बस में एक्चुअली बालेश्वर भुवनेश्वर से, काम नहीं बनता मेरा उस तरफ, मेरा ज़्यादा काम भुवनेश्वर में ही है। सो अभी कटक से निकल गए हैं, आगे मिलते हैं आप लोग को। तब तक टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज़ आरएस राइडर चित, एंड लव यू ऑलवेज। तो अभी भद्रक पहुंच रहे हैं, यहाँ से अनदर 70 किलोमीटर बालिश कर रहे हैं। बस ट्रैवलिंग बड़ी बोरिंग है मेरे लिए, तब भी ट्रैवल करना पड़ता है कभी कभी। यानी कि हमें अपना फोर व्हीलर में चलो और अपना बाइक में चलो। हालांकि भद्रक टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है, पहले ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का अंदर आ रहा था, बट अभी अपना स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट बन गया है भद्रक डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी नीट एंड क्लीन टाउन है, और अच्छा अच्छा स्कूल है यहाँ पे। मेरा एक दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं।
सो फाइनली लिविंग भद्रक। अभी यहाँ से बालेश्वर लगभग 70 किलोमीटर है, एक घंटा 20 मिनट लगना चाहिए। काफ़ी ज़ोर से भूख भी लगा है अपन को। जैसे बालेश्वर पहुँचेंगे पहले खाना खाएंगे, फिर जाएंगे अपने गाड़ी देखने के लिए। फाइनली एंट्रिंग बालेश्वर। 2:40 बज गया, उतर के पहले होटल जाऊंगा, खाना ना खा के फिर जाऊंगा जहां काम का जगह है। और देखते हैं आज का दिन बालेश्वर में कैसे बीतता है। तो फाइनली 2:45 में मैं आके पहुंचा बालेश्वर। आके सीधा रूम में घुस गया, हालांकि बैटरी नहीं था मेरा मोबाइल में, इसलिए मैं रास्ते का ब्लॉगिंग नहीं बनाया हूँ। अभी खाना वाना खा के रेस्ट लेके फिर निकलेंगे जो काम के लिए आए हैं। और ऊपर वाले से दुआ है कि आज मेरा काम बन जाए। सो इसी तरह कल मैं जाप सबको करण दिया और अपना जो काम है सब पूरा कर सकूँ। अभी क्या के लिए आया हूँ ये तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। सो लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट।